तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो केन्या कबड्डी लीग है, इसका भाई जो आज के दिन का चौथा मैच और टूर्नामेंट का भाई 119वां मैच जो कि खेला जाएगा माचाकोज यूनिवर्सिटी यानी कि भाई MCU वर्सेज ब्लैक फाल्कोन्स यानी कि BLF के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर तक कंप्लीट देख लीजिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको यहां से स्किप नहीं करना है, अदरवाइज इसमें आपका ही लॉस होने वाला है। लेकिन अगर आप वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखते हो तो इजीली आप इस मैच में काफी शानदार विनिंग करने वाले हो। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको यहां से स्किप नहीं करना है, क्योंकि भाई यहां पर देखिए ये जो वीडियो है ना, इसमें आपको इस मैच से रिलेटेड, GL से रिलेटेड प्लस SL से रिलेटेड यानी कि ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग दोनों से रिलेटेड पूरी जानकारी दी जाएगी। एक एक प्लेयर के बारे में बताएंगे जो ग्रैंड लीग में इंपॉर्टेंट होगा, वही बात करेंगे एक एक ऐसे प्लेयर के बारे में भी जो स्मॉल लीग में इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक लाइक जरूर से कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो का जो सबसे एक्साइटिंग पार्ट है वो क्या है कि भाई यहाँ पर आपके लिए 18 लाख रुपये की GL लगी हुई है। अब इस ग्रैंड लीग में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस ग्रैंड लीग में मैं आपको 6 GL की टीम प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। अब वो ग्रैंड लीग की टीम्स आपको कहाँ पे मिलेंगी, वो मिलेंगी भाई आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर बाई चांस डिस्क्रिप्शन वाला लिंक वर्क ना करे तो वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मान लो बाई चांस लिंक वर्क ना करे तो भाई आपको क्या करना है, उससे पहले भाई यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर डेली हमारी GL विन हो रही है। कल भी हमने GL में रैंक एक हासिल की थी, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई जो रैंक एक है ना, वो कल भी हमने यहाँ पर हासिल की थी 54 रिजर्व स्पोर्ट्स में। कबड्डी में KSL का मैच था कसरानी लॉयंस का, उसमें भाई हमने रैंक एक हासिल की थी। स्मॉल लीग की बात करें तो वहाँ पर भाई हम किसी भी कोई भी हमारे से मतलब आस पास भी नहीं है, लगातार अल्ट्रा क्लीनशिप हमारी चल रही है। लगातार आप कोई भी मैच देख लो, स्मॉल लीग में हमारे से आगे कोई नहीं जा पा रहा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि भाई जो भी फाइनल अपडेट होगी वो टेलीग्राम पर मिलेगी। अगर बाई चांस लिंक वर्क ना करे तो आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। क्या सर्च आपको करना है, @KPM टीम। ये जैसे ही आप ये चीज लिखोगे आपको भाई नीचे जस्ट मतलब जो पहले नंबर पर चैनल दिखेगा ना, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ठीक है, @KPM टीम। अगर मान लो देखिए ये जो सबसे पहले आपको चैनल दिख रहा है ना, ये चैनल आपको भाई ज्वाइन करना है। नीचे जो चैनल दिख रहा है ना भाई, ये तीनों चैनल ये फेक चैनल है, इनके ऊपर आपको 1 से लेकर लाख तक नहीं जाना है। ये सिर्फ फ्रॉड करने वाले चैनल, इनके ऊपर आपको नहीं जाना है। इसी एकमात्र चैनल पर आपको आकर ज्वाइन हो जाना है। अब चलिए भाई बात करते हैं यहाँ पर टीम के बारे में, लेकिन उससे पहले भाई पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। तो भाई माचाकोज यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। अब माचाकोज यूनिवर्सिटी तो आपको दिख गई, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी टीम है जिसके ऊपर जाने के काफी अच्छे चांसेस है ब्लैक फाल्कोन्स की, इनके बारे में यहां पर बात करनी जरूरी है। ब्लैक फाल्कोन्स यहां पर हालांकि स्कोर डिफरेंस में मात खा सकती है टीम से, क्योंकि भाई इनका स्कोर डिफरेंस बहुत ही ज्यादा कम है। अगर भाई अपने स्कोर डिफरेंस को इंप्रूव कर लेते हैं तो भाई काफी हाई चांसेस रहेंगे कि ये टॉप 4 में फिनिश कर सके। हालांकि वैसे भी इनके लिए सारे मैचेस अब नॉकआउट मैच है, यहां से इनके लिए एक मैच भी हारना मतलब बाहर का रास्ता देखने जितना हो जाएगा। और वही अगर बात करें भाई यहां पर MCU की टीम, तो वो तो ऑलरेडी सबसे नीचे लगी हुई है, -249 का स्कोर डिफरेंस है, जो कि अगेन भाई एक डिजास्टर स्कोर डिफरेंस है। तो यहां पर आप इस चीज को भी ध्यान में जरूर रखिएगा। अब अगर बात करें भाई यहां पर टीम्स की, तो चलिए टीम्स के बारे में बात करते हैं। अब टीम्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा, आपको भाई देगा। अब एक एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहां पर सबसे पहले स्टार्टिंग 7 चेक करते हैं किसकी, MCU की। MCU की तरफ से एस बॉम्बो आपको दिखेगा, इसके अलावा आर मोरिया आपको दिखेगा। आर मोरिया लास्ट मैच में हमारे VC थे और वन साइडेड विनिंग करवा के गए, 3 टैकल 1 टच बोनस पॉइंट 12 टच पॉइंट, लगातार आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देते दिखेंगे। एस मांबो को भी आप अपनी टीम में रख सकते हो, इवन भाई स्मॉल लीग में नहीं तो GL मिनी GL में तो जरूर से ट्राई कीजिएगा। बात करते हैं भाई यहां पर ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहां से आपको देखिए एक ऐसा प्लेयर दिखेगा ए मूसा, जो भाई अपनी टीम के लिए
जितना पॉसिबल हो सक रहा है ना वैसे भाई वन मैन आर्मी की तरह लड़ रहा है, और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भाई कभी साथ देते कभी नहीं देते, और वही रीज़न है कि ये इतने नीचे लगे हुए हैं एमसीयू की टीम। वही अगर बात करोगे तो जे क्योको भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है, क्योंकि लास्ट के कुछ मैच में इन्होंने फिर से फॉर्म दिखाई है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। बी किलू और यहाँ से अगर बात करें डी मुले की, इन्हें आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, ठीक है, स्मॉल लीग में इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। डी मविंदवा की बात करें जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। डी मुटिंडा की बात करें अगेन जीएल मिनी जीएल में। डी मुटिंडा भाई यार इस प्लेयर ने इतना लेट डाउन किया है, पूरा सीजन खेले एक सिंगल मैच नहीं जीतवा, मतलब जितवाना छोड़ो भाई 50 पॉइंट्स भी इन्होंने शायद भी एक भी मैच में नहीं निकाले, 50 पॉइंट्स सिर्फ 50 पॉइंट्स वो भी नहीं निकाल पाया, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा एवरेज प्लेयर रहेगा। और फिर भी पता है क्या लोग इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, 80% 38% इसका सिलेक्शन करवा रहे हैं, बट मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। एस मविंदवा की बात करें तो इन्हें आप जीएल मिनी जीएल में जरूर से ट्राई कर सकते हो। वही अगर बात करें स्मॉल लीग के लिए तो अगर आप ट्राई करना चाहोगे यहाँ से तो डी मविंदवा एक ऐसे प्लेयर है जिसे आप ट्राई कर सकते हो। अब आ जाते हैं भाई सामने वाली टीम पे। अब सामने वाली टीम के दो सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो डिफेंस सेक्शन, एक भाई इनका रेडिंग सेक्शन। रेडिंग सेक्शन में आपको प्लेयर बताते हैं ऐसा बोलो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए जाना जाता है, बहुत ही शानदार प्लेयर है, 100% टीम में होना चाहिए, इवन भाई सीबीसी भी आप इन्हें अपनी टीम का रख सकते हो। सी कारुकी की बात करें तो इन्हें अब जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, क्यों, क्योंकि परफॉर्मेंस तो देते हैं लेकिन भाई इनकंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देते, कुछ नहीं पता कब परफॉर्म करेंगे कब फ्लॉप हो जाए, तो इसीलिए बोल रहा हूँ जीएल मिनी जीएल में इन्हें आप ट्राई कीजिएगा। आ जाते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, अगर आप यहाँ से चाहो तो जे सिंडेला को ट्राई कर सकते हो, हालांकि मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप 100% लेके ही जाइएगा, या फिर भी मुतुरी को ट्राई कर सकते हो, बट अगेन जीएल मिनी जीएल में आप इन्हें रोटेशन के तौर पर ट्राई कर सकते हो। और यहाँ से स्मॉल लीग में अगर लेना है तो एक डिफरेंशियल पिक मैं आपको बता सकता हूँ ऑलराउंडर सेक्शन से, आई कास्कुआ। ये भाई लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जब से खेले लगातार परफॉर्मेंस दे रहे, तो ये आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं। बात करें अगर डिफेंस की तो यहाँ से भाई बिना किसी सोच के तीनों अगर ये खेलते हो तो इन तीनों को ले लीजिएगा, अगर दो इनमें से खेलते दो को लीजिएगा, एक खेलता एक को लीजिएगा, अगर तीनों खेलते तो अगेन वही बात मैं रिपीट करूंगा तीनों के तीनों को ले लीजिएगा। अब चलिए भाई यहाँ से बात कर लेते हैं टीम की, तो देखिए स्मॉल लीग की टीम में तीनों मेरी टीम में रहेंगे, ठीक है। इवन भाई आप मैं आपको यार एक बार टीम अच्छे से बना के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें तो देखिए यहाँ से चार प्लेयर मैं ले रहा हूँ, कौन कौन से, जे ओरा को मैं अपनी टीम में रखूंगा, केएल वीरे को रखूंगा, आर मोरिया को रखूंगा और के ताइलान को रखूंगा। अभी चार प्लेयर मेरी टीम में आपके सामने दिख गए, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, चार डिफेंडर हमने ले लिए, ऑलराउंडर सेक्शन में चलेंगे यहाँ से, एक तो ये मूसिया को हमें अपनी टीम में लेना ही लेना है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो यहाँ से जो एक और प्लेयर आपके सामने निकल कर आएगा वो आएगा एस ओमलो। अब एक प्लेयर आपको लेना है जिसमें से आप किसी भी टीम का ले सकते हो, यानी कि दो प्लेयर तो आपने ले लिए, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ 5-2 का रेशियो इन फेवर ऑफ ब्लैक फाल्कन्स। तो अब 5-2 का अगर मैं रेशियो बनाऊंगा तो पांचों प्लेयर मेरे को कहां से चाहिए, ब्लैक फाल्कन्स से। तो ब्लैक फाल्कन्स की तरफ से यहाँ से भाई जो हमारा ट्रंप कार्ड पिक है ना वही हमारे काम आएगा, क्रेडिट मैनेज करते हुए आई कास्कुआ, ये आपके लिए बहुत बड़ा ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है। इसके दो तीन रीजन है मैं आपको बताता हूँ। पहले आप यहाँ पर देखिए जिस मैच में चलेगा गजब परफॉर्मेंस देगा, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने परफॉर्मेंस दी एक मैच में और 70 पॉइंट ले गए, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर भाई अगेन भाई इन्होंने बहुत ही गजब लेवल की परफॉर्मेंस दी है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ आपके लिए बहुत बड़े ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं। कैप्टनसी की बात कर लेते हैं, नो डाउट भाई यहाँ पर कैप्टनसी का सबसे बड़ा दावेदार है मूसा को माना जा रहा है, क्यों, क्योंकि कंसिस्टेंसी मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इन्होंने कंसिस्टेंसी बिल्कुल अलग लेवल पर दिखाई है जबकि टीम ने बिल्कुल नहीं खेल दिखाया। यहाँ पर अगर बात करें सीवीसी की तो देखिए जे ओरा भी लगातार अच्छा कर रहा है, के वीरे अगर खेलता है तो भाई हमारी टीम का वीसी में इसे कर दूंगा। कैप्टनसी की बात करें तो ऐसा मोलो को मैं कैप्टन दे दूंगा या फिर जे ओरा को कैप्टन दे दूंगा, मैं ए मूसा को सीवीसी नहीं दे रहा, रीज़न बस एक ही है इनकी टीम वीक है और इन्हें ऑल आउट के माइनस के नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे, और सामने वाली टीम से अगर कैप्टन वीसी करेंगे तो इन्हें भाई ऑल आउट के सीवीसी के पॉइंट एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों मेरा रीज़न आपको समझ में आया होगा। बाकी टीम अगेन जो सीवीसी की बात अलग है, टीम की बात अलग है, टीम के बारे में बता देता हूँ, ये जो टीम है ना भाई ये अभी आप डेमो टीम मानकर सेव कर सकते हो, कोई भी अगर चेंजमेंट की गुंजाइश होती है, चेंजमेंट रिक्वायर्ड होता है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा कि ये चेंजमेंट आप कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा भाई, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दे रखा है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।